बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं बारकली और आप देख रहे हैं टूर एंड टेस्ट। उम्मीद करता हूं अल्लाह के करम और फजल के साथ आप सब खैरियत से होंगे। तो टूर एंड टेस्ट में आज हम बना रहे हैं आलू की एक ज़बरदस्ती रेसिपी, जो कि बच्चे और बड़े सभी शौक से खाते हैं। और इसके अलावा आगे रमज़ान आ रहा है, रमज़ान में आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह बहुत ही मज़े की तैयार होती है और खाने में भी बहुत ही लजीज है। तो आइए देखते हैं आज हम आलू की कौन सी रेसिपी तैयार कर रहे हैं और किस तरह तैयार होगी और इसके लिए हमें किन किन अज़ा की ज़रूरत है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज की रेसिपी के लिए हमें चाहिए थोड़ा सा सब्ज़ धनिया, वो हम अपने इधर किचन गार्डन से काट लेते हैं। एक ही पौधा जो है वो काफ़ी होगा। आलू की इस रेसिपी के लिए थोड़ी सी हमें पुदीने की पत्तियां भी चाहिए, जो कि हमने इस बर्तन में लगाया हुआ है, यहीं से काट लेते हैं। आलू को उबलने के लिए रख दिया और जब तक आलू उबलते हैं इतनी देर में हम बाकी चीज़ें जो है वो तैयार कर लेते हैं। थोड़ी सी हम इस्तेमाल करेंगे सब्ज़ मिर्च, सब्ज़ मिर्च को हम बारीक बारीक काटेंगे। बिस्मिल्लाह। बारीक इसलिए काटेंगे ताकि अगर खाने में मुंह में आ जाए तो ज़्यादा कड़वी जो है वो ना लगे। अभी हम काट लेते हैं सब्ज़ धनिया। बिस्मिल्लाह। और इसको भी हम बारीक बारीक काटेंगे। पुदीने की हम पत्तियां इस्तेमाल करेंगे, टहनी के साथ से पत्तियां जो है वो हम अलग कर लेंगे। ये काम तो हमारा हुआ मुकम्मल और अभी चलते हैं आलू की तरफ। आलू जो है माशाल्लाह ज़बरदस्त गल चुके हैं। बिस्मिल्लाह। आलू को हम कढ़ाई में से निकाल लेंगे। आलू जो है माशाल्लाह ज़बरदस्त गल चुके हैं और इनका छिलका जो है बड़ी आसानी के साथ उतर जाएगा। और आलू के पीस हमने इसलिए किए थे ताकि आलू जो है वो जल्दी से गल जाएं। आलू को छीलने के बाद हम एक खुले बर्तन में डालते जाएंगे। आलू को हमने छील लिया और अभी आलू को हम हाथ की मदद से जो है मैश कर लेंगे। आलू जो है माशाल्लाह अच्छी तरह गल चुके हैं और इनको मैश करना जो है वो ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा। आलू को हमने मैश कर लिए, अभी इसमें डाल लेते हैं बाकी चीज़ें। सब्ज़ मिर्च, बिस्मिल्लाह, पुदीने की पत्तियाँ, सब्ज़ धनिया, सुरख मिर्च, और सुरख मिर्च हम इसमें दरदरी इस्तेमाल कर रहे हैं, सफ़ेद ज़ीरा, काली मिर्च, नमक, खुश्क धनिया। अभी इन तमाम चीज़ों को आलू के साथ अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। तमाम चीज़ों को हमने आलू के साथ अच्छी तरह मिक्स कर लिया और आमेज़ा हमारा जो है वो तैयार हो गया ज़बरदस्त था। अभी हम बना रहेंगे आलू की टिक्कियाँ और आलू की टिक्की बनाने से पहले हाथ के ऊपर थोड़ा सा ऑयल जो है वो लगा लेंगे ताकि आमेज़ा जो है वो हाथ के साथ चिपके ना। इसकी टिक्की जो है वो आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जिस तरह चाहे बना सकते हैं, गोल बना लें, बॉल की शक्ल में बना लें, या इसको आप चकोर बना लें, ये आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जो है वो बना सकते हैं, मगर हम यहाँ पे इसकी टिक्की जो है वो गोल बना रहे हैं। टिक्की बनाने के बाद हम एक साइड पे रखते जाएंगे। इसी तरह अभी हम सारे अमेज़े की टिक्कियाँ जो है वो तैयार कर लेंगे। आलू के अमेज़े की टिक्कियाँ हमने बना ली हैं और अभी चलते हैं अगले मरहले की तरफ। आलू की टिक्की के ऊपर लगाने के लिए हम थोड़ी सी बारीक सेवैयाँ जो है वो इस्तेमाल करेंगे और इनको हम बिल्कुल बारीक बारीक जो है वो तोड़ लेंगे। सेवैयों का चूरा हमारा जो है वो तैयार हो गया और दूसरे प्याले में हम डाल लेंगे थोड़ा सा मैदा। और मैदे का भी हम थोड़ा सा लिक्विड बना लेंगे। मैदे में हम डाल लेंगे थोड़ा सा नमक और थोड़ी सी काली मिर्च। और अभी हम इन तमाम चीज़ों को पानी के साथ अच्छी तरह मिक्स करके इसका लिक्विड सा जो है वो बना लेंगे और मैदे को हम एक लेवी की शक्ल में जो है वो तैयार कर लेंगे। मैदा भी हमारा तैयार हो गया और अभी हम टिक्कियों की कोटिंग कर लेते हैं। पहले हम टिक्कियों के गिर्द लगाएंगे मैदा
और मैदा लगाने के बाद हम इसके ऊपर लगा लेंगे सेवई। क्योंकि गिर सेवइयां लगाने के बाद हम इन्हें साइड पर रखते जाएंगे। सेवइयां लगाने के बाद आलू की टिक्कियां जो है माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत लग रही हैं। इतनी तैयारी करने के बाद आप इन टिक्कियों को जो है वो आप फ्रीज कर सकते हैं और तकरीबन एक माह तक जो है वो आप इन्हें बड़ी आसानी के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। आगे रमज़ान आ रहा है, आप एक ही दफ़ा जो है इनको तैयार करके पूरा रमज़ान जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं और जब चाहे बच्चों को निकाल के फ्राई करके दें, टिफ़िन में दें, वैसे आप मेहमानों को दें, तो इंशाल्लाह बहुत ही मज़े की ये तैयार होती हैं। अभी हम इनको तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए जो है वो फ्रीज़र में रख देंगे। ऑयल गर्म हो गया और टिक्कियाँ भी हम फ्रीज़र से निकाल के ले आए हैं और अभी हम इन्हें फ्राई कर लेते हैं। बिस्मिल्लाह। टिक्कियों की साइड चेंज कर लेंगे। माशाल्लाह रंग जो है बहुत ही खूबसूरत आ रही है। माशाल्लाह टिक्कियाँ हमारी जो है वो ज़बरदस्त ब्राउन कलर में हो गई हैं और अभी हम इन्हें कढ़ाई में से निकाल लेते हैं और इसी तरह बाकी टिक्कियां जो है वो भी हम तैयार कर लेंगे। ये वाली टिक्कियां भी हम कढ़ाई में से निकाल लेते हैं। तो माशाल्लाह ये हमारी आलू की रेसिपी जो है बहुत ही ज़बरदस्त तैयार हुई। आप इस रेसिपी को घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा और हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपसे ये रेसिपी कैसी तैयार हुई और इसका जायका कैसा रहा। और माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त खुशबूदार अंदर तक। और अभी हम आपको ये रेसिपी जो है वो टेस्ट करके बताते हैं। हाँ जी अबू जी, आलू की टिक्की कैसी तैयार हुई? माशाल्लाह बहुत बेहतरीन, बहुत जायकेदार। हाँ जी बेटा जी, आलू की टिक्की का मजा आया? हाँ जी अबू जी, बहुत मजा आया। तो माशाल्लाह जी जिया बेटे को भी बहुत मजा आया। तो उम्मीद है आपको हमारी आज की वीडियो जो पसंद आएगी। पसंद आए तो इसे लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों अहबाब के साथ और जो दोस्त हमारे चैनल पर नए हो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर दीजिएगा ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक फौरन पहुंच जाए। दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, अपने बुजुर्गों का ख्याल रखिएगा और इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत। सदा खुश रहें। अल्लाह हाफिज़।